हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉजिटिव हाईवे। इस वीडियो में मैं आपको व्हाट्सएप की ट्रिक्स बताने जा रही हूँ जो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो बढ़ते हैं ट्रिक्स की ओर। पहली ट्रिक, रीड रिसिप्ट। रीड रिसिप्ट का मतलब ये है कि अगर आप इसे ऑफ कर देते हैं तो आपके किसी भी फ्रेंड को ये नहीं पता चलेगा कि आपने उसका मैसेज रीड किया है। आप उसका मैसेज रीड कर लेंगे, उसके बावजूद भी आपके फ्रेंड को लगेगा कि आपने उसका मैसेज रीड नहीं किया है। तो ये कैसे काम करता है, इसके लिए आप फॉलो करें इस प्रोसेस को। तो सबसे पहले आप व्हाट्सएप पे जाएं। व्हाट्सएप पे जाने के बाद वहाँ पे आपको थ्री डॉट्स दिखेंगे, उस पर क्लिक करें। सेटिंग में जाएं। सेटिंग में जाने के बाद आप अकाउंट्स में आएँ। अकाउंट्स में आएँ, प्राइवेसी में। वहाँ नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा रीड रिसिप्ट का। इसे ऑफ कर देने के बाद आपके किसी भी फ्रेंड को ये नहीं पता चलेगा कि आपने उसका मैसेज रीड कर लिया है। तो दूसरे ट्रिक की ओर चलते हैं। दूसरा है मीडिया विजिबिलिटी। मीडिया विजिबिलिटी का मतलब ये है कि हमारे कोई फ्रेंड होते हैं या कोई रिलेटिव होते हैं जिनको फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ भेजना बहुत अच्छा लगता है, जिसकी वजह से हमारे मोबाइल की मेमोरी भी फुल हो जाती है और हम बाद में उसे सारे फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ को डिलीट करने लग जाते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है जिसे फॉलो करके आपका फ्रेंड जो भी आपको फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ भेजेगा वो सिर्फ व्हाट्सएप पे ही दिखेगा, आपके गैलरी में नहीं शो करें। तो अपने व्हाट्सएप पे जाएं, वहाँ पे जो भी आपका फ्रेंड है उसके प्रोफाइल पे क्लिक करें। जैसे ये है मेरा फ्रेंड, तो मैंने उसके प्रोफाइल पे क्लिक किया। वहाँ पे आपको सर्कल में आई दिखेगा, उस पर क्लिक करें। उस पर क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखेगा वहाँ नीचे मीडिया विजिबिलिटी का। मीडिया विजिबिलिटी पे जाने के बाद उसे नो कर दे। उसे नो कर देने के बाद आपका वो जो भी फ्रेंड है वो जो भी आपको फ़ोटोज़ वीडियो सेंड करेगा वो सिर्फ और सिर्फ आपके व्हाट्सएप पे शो करेगा, आपके मोबाइल गैलरी में नहीं शो करेगा। तो ये ट्रिक बहुत ही अच्छी है, इसे आप फॉलो कर सकते हैं। नाउ थर्ड ट्रिक। थर्ड ट्रिक है ग्रुप। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई थर्ड पर्सन हमें ग्रुप में ऐड कर लेता है जो हमारे कॉन्टेक्ट लिस्ट में नहीं होता है। तो हमारे कॉन्टेक्ट लिस्ट में जो नहीं है वो हमें ग्रुप में ना ऐड करे, उसके लिए एक व्हाट्सएप की सेटिंग है। उसे फॉलो करने के बाद कोई भी थर्ड पर्सन आपको ग्रुप में नहीं ऐड करेगा। तो आपको व्हाट्सएप पे जाना है, थ्री डॉट्स पे क्लिक करें, सेटिंग के अकाउंट्स में आए। अकाउंट्स में प्राइवेसी में जाने के बाद वहाँ नीचे आपको दिखेगा ग्रुप का एक ऑप्शन, उस पर जाने के बाद वहाँ पे सेलेक्ट करना है माय कॉन्टैक्ट, यानी जो भी आपके कॉन्टैक्ट में है सिर्फ वही आपको ग्रुप में ऐड कर पाएगा, कोई थर्ड पर्सन आपको ग्रुप में नहीं ऐड कर पाएगा। ग्रुप में ऐड करने के बाद सभी को पता है अननेसेसरी बातें होती है, तो ये इस चीज़ से आप बच सकते हैं। नाउ फोर्थ ट्रिक, वॉइस मैसेज। हम जब भी वॉइस मैसेज किसी को सेंड करते हैं तो जो माइक का बटन होता है उस पर हम काफ़ी टाइम तक प्रेस करके रखते हैं और अपनी बात पूरी होने तक हम उस पर प्रेस करे ही रहते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप एक प्रोटिप्स को फॉलो कर सकते हैं, जिससे आप जब भी आप किसी को वॉइस मैसेज भेजेंगे तो आपको माइक पे प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक रिकॉर्ड हो जाएगा, सिर्फ आपको सेंड करना होगा। तो सबसे पहले आप अपने व्हाट्सएप पे जाएं। व्हाट्सएप पे जाने के बाद चैट ओपन करें जिसे भी आपको मैसेज भेजना है। तो मैंने यहाँ पे अपने फ्रेंड का चैट ओपन किया है। आपको यहाँ पे दिखेगा माइक का ऑप्शन, तो उस पर माइक पे क्लिक करेंगे तो आपको ऊपर एक लॉक का साइन दिखेगा। उस लॉक के साइन को अगर आप स्वाइप कर देंगे तो आपको माइक पे प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक ही रिकॉर्ड हो जाएगा और वहाँ से वो सेंड कर सकते हैं। नाउ लास्ट ट्रिक। लास्ट ट्रिक है रीडिंग टाइमिंग। हम जब भी अपने किसी फ्रेंड को कोई मैसेज भेजते हैं तो उसने हमारा मैसेज सीन किया ये तो हमें पता होता है, लेकिन उसने हमारा मैसेज कौन से टाइम को कौन से डेट को सीन किया ये भी हम देख सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपने व्हाट्सएप पे जाना है। व्हाट्सएप पे जाने के बाद आप अपने फ्रेंड का चैट ओपन करें जो भी फ्रेंड का आपको देखना है। तो मैंने यहाँ पर मेरे फ्रेंड का चैट ओपन किया है। ओपन करने के बाद मैंने उसे एक फ़ोटो सेंड किया था, उस पर प्रेस करें, तीन डॉट पे क्लिक करें और इन्फो में जाएं। इन्फो में जाने के बाद आप देख सकते हैं कि मैंने उसे मैसेज कब सेंड किया था और उसने मेरा मैसेज कौन सी डेट को और कौन सी टाइम को रीड किया था। तो इससे आप ये पता कर सकते हैं कि आपके फ्रेंड ने आपका मैसेज कितने बजे या कितने टाइम को रीड किया था। तो इसी तरह व्हाट्सएप की नई नई ट्रिक्स जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट ज़रूर करें। Thanks for watching.